तो चलें जी अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। आज का हमारा अगला मौजू जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये वन जो है ये मैंने अपनी स्लाइड का नंबर लिखा हुआ होता है ताकि गड़बड़ ना हो स्लाइड लोड करते हुए। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी को देखेंगे। आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को तीन कंस्ट्रक्शन बताई हुई है, फ्यूचुरिटी विल शैल बेस ऑन, कॉन्टिन्यूटी बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और परफेक्टिविटी हैव और पास्ट पार्टिसिपल। और इसके मुताबिक हमने डिस्कस किया है कि तमाम अंग्रेजी जो है वो सिर्फ इन तीन कंस्ट्रक्शंस और तीन वर्ब्स पे रहती है जो प्राइमरी वर्ब्स कहलाते हैं, डू बी और हैव। तो अब जब हमने कॉन्टिन्यूटी की यहाँ पे ये देखें बात हो रही है, ये कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, तो ये देखें बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल, वही जो आपको फॉर्मूला बताया था वो देखें। और यहाँ पे एक वजाहत मैं करता चलूं कि ये आपका टेंस नहीं है, इसको आपने टेंस नहीं समझना है ये बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल को। ये कॉन्टिन्यूटी के लिए, इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन है जो फॉर एवर अंग्रेजी में ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही इसने हमेशा जाना है, और ये हजारों जगह पे इस्तेमाल होगी, और जितनी भी जगहों पे ये इस्तेमाल होगी ये अपनी शक्ल नहीं बदल सकती, लिहाजा ये टेंस नहीं है। ये क्या है? ये कंस्ट्रक्शन है, ये स्ट्रक्चर है किसका? कॉन्टिन्यूटी का। ये हो गई कॉन्टिन्यूटी बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये देखें आपका टेंस है, ये टेंस खड़ा है। तो जब टेंस को हमने, ये देखें स्टडी का बेस फॉर्म स्टडी, स्टडिंग का बेस फॉर्म स्टडी होता है, तो उससे बन गया स्टडिंग। किस वजह से बना? बी की वजह से, कॉन्टिन्यूटी लाने के लिए। जब हमने टेंस अप्लाई करना है तो जाहिर है हम बेस फॉर्म पे कर सकते हैं, जिस तरह ये बेस फॉर्म से स्टडिंग बन गया। अब जब हमने बेस फॉर्म पर, जो कि हमारे पास ये मौजूद है बी, इस पर जब हमने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया तो बी का प्रेजेंट होता है, आपने याद किया होगा, इज एम आर, और ये देखें स्टडिंग आ गया। यानी कि ये जो इज एम आर है ये सिर्फ इसने अपनी शक्ल बदली है, यानी कि हम इसको मुंह से इज एम आर कहेंगे, हम अपने पेन से भी इसको इज एम आर लिखेंगे, लेकिन हमारे बैक ऑफ माइंड लाशौर में हमें ये पता है कि ये इज एम आर नहीं है बल्कि ये बी है। सिर्फ ये टेंस इसने अपना बदला है बी ने, अदरवाइज ये बी है, तो आपने इसको बी के तौर पर याद रखना है। तो ही इज स्टडिंग साइंस, वो साइंस पढ़ रहा है, ये देखें बी आ गया, और ये देखें स्टडिंग आ गया, बी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब है। अब जब हमने इसका नेगेटिव बनाना है तो वो जो कल हमने बात पढ़ी थी, हम ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने साथ ये भी पढ़ा था कि हम हेल्पिंग वर्ब को ऑपरेटर के तौर पे लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को ऑपरेटर के तौर पे जब हमने लिया तो ये जुमला हमारा बन गया, ही इज नॉट स्टडिंग साइंस। ये देखें मेन वर्ब, ये देखें आपका एडवर्ब, ये देखें आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब इस वक्त एक और काम कर रहा है ऑपरेटर का। क्यों कर रहा है? चूंकि हमने नेगेटिव बनाया, ये देखें, तो इस वक्त दो काम कर रहा है। पहला काम हेल्पिंग वर्ब का कर रहा है कि बी के बगैर आप कॉन्टिन्यूटी नहीं ला सकते, और अब उसी हेल्पिंग वर्ब को हमने ऑपरेटर के तौर पे यूज कर लिया। अब हमने जब इसका इंट्रोगेटिव बनाया है तो ये देखें सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब ऑपरेटर की शक्ल में लग गया। अब इस हेल्पिंग वर्ब से हम सवालिया बनाने के लिए ऑपरेटर का काम ले रहे हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जब हम आते हैं तो वो जो आपको कल बात बताई गई थी कि फिकरे से पहले अगर हम लगाएंगे तो वो यहाँ आ जाता है, यहाँ नहीं, सब्जेक्ट से पहले ऑपरेटर को लगाना होता है, ये देखें लगा हुआ, और उससे पहले एक इंट्रोगेटिव एक्सप्रेशन आ गया, वगैरह वगैरह। आगे एक हम स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की उर्दू में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, करवाई जाती है, ऐसा ही है ना, जबकि असल सूरत हाल इससे अलग है। यानी कि वही बात जो हम रोज करते हैं कि रोज गलत आपकी पिछली चीजें निकला करेंगी, तो यहां भी ये गलत बात निकल आई, सूरत हाल ही कोई और है। वो सूरत हाल यूं अलग है कि अंग्रेजी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किसी काम यानी एक्शन के मौजूदा वक्त में जारी होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हमें पता चला कि रहा है, रही है को छोड़ दें, कि उस सेंटेंस में, उस फिक्रे में रहा है, रही है, आ रहा है के नहीं आ रहा, वही जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात पढ़ी थी कि हमने इस चक्कर में नहीं पढ़ना होता कि उर्दू किस तरह है,
बल्कि हमने ये देखना होता है कि इसमें बात क्या की जा रही है। तो अब हमने उस बात को रिजेक्ट करके हमने क्या पढ़ा है कि इसमें एक्शन के जारी होने के लिए टेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम इसकी मिसालें लेते हैं, जैसे हम बैठे हैं, हम बैठे हुए हैं, ये फिक्रा हमें ये बता रहा है कि ये काम जारी है, ये देखें वी आर सिटिंग। अच्छा, अब तालिबे इल्म क्या करते हैं कि जब ये फिक्रा आता है कि हम बैठे हैं या हम बैठे हुए हैं, तो वो करते हैं वी आर सिट। अच्छा, आप मुझे ये बताएं ये आर होता क्या है, बी होता है ना शकीला, तो जी सर। बी के बाद तो आप बेस फॉर्म लगा ही नहीं सकते, बी के बाद तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना, तो इसका मतलब है आप हर तरह से उसको गलत कर रहे हैं, वी आर सिट तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? चूंकि बी के बाद हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है, तो वी जी आर सर, इसी तरह वो खड़ा सिटिंग। है या वो खड़ा हुआ है, इसमें क्या फर्क है, वो खड़ा है वो खड़ा हुआ है, मतलब काम जारी है ना, वो जारी खड़ा है, है। ठीक हो गया, तो ही स्टैंडिंग। अच्छा जी, मैंने कलम पकड़ा हुआ है, पकड़ने का अमल इस वक्त क्या है, जारी है। जी आप रहा है रही है से जाएंगे तो फंस जाएंगे, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं इसको क्या कहूंगा, आई एम होल्डिंग अ पेन या दी पेन, किताबें मेज पर पड़ी हुई हैं, तो मैं कहूंगा द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। बताने का मकसद ये है कि हमने फिक्रों की शक्ल नहीं देखनी होती, हमने सिचुएशन देखनी होती है। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जहां पे मैंने कुछ मैंने जानबूझ के ये जुमले लिखे हैं जिनमें रहा है रही है नहीं आ रहा और आप परेशान रहते हैं। आप देखें, मैंने काला कोट पहना हुआ है, चले काला कोट छोड़ दे, मैंने खाकी सूट पहना हुआ है या पहन रखा है। अब देखें, ये देखें, देख के बताएं ये क्या है, पहना हुआ है, तो पहनने का अमल इस वक्त जारी जारी है। है, जी ये जब मैं उतार दूंगा शर्ट तो फिर ये खत्म हो जाएगा काम। तो आई एम वेयरिंग अ सर, ब्लैक सूट। इसी तरह वलीद, हमारे आपके कुलीग हैं, वो पढ़ते हैं यहाँ, आपके फेलो आज नहीं आए, तो मैंने कहा कि वलीद ने दाढ़ी रखी है या रखी हुई है, अब ये देखें दाढ़ी रखी है, या चले मुकद्दस कर लेते हैं, ये देखें मुकद्दस इनकी भी दाढ़ी है, तो मैं कहता हूँ मुकद्दस ने दाढ़ी रखी हुई है या रखी है, तो ये देखें दाढ़ी जो है ये इस वक्त क्या है, मतलब अभी प्रेजेंट है ना। हाँ जारी है। तो मैं कहूंगा वलीद इज वेयरिंग या कीपिंग अ बियर्ड, या मुकद्दस इज वेयरिंग, दाढ़ी रखने को या मूछें रखने को या बाल रखने को वेयर करना या कीप करना कहते हैं। इसी तरह मैंने ये देखे, मैंने ऐनक लगाई हुई है या लगा रखी है, या मैंने ऐनक पहनी हुई है पहन रखी है, तो आपके ख्याल में क्या है ये इस वक्त, ये देखें इधर देख के बताएं मुझे, देख के जी सर, जारी लगाने है का, ये भी। हाँ लगाने का अमल इस वक्त जारी है, और ये देखें अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। और ये देखें अब जारी है। अच्छा फिर वो देखें, आई एम वेयरिंग ग्लासेस, ये मैंने लिखी, वो दौड़ रहा है, छोड़ दें इसके एंड पे रहा है रही है, देखना ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ये इस वक्त हो अमल जारी है, जारी है, तो ये देखें ही इज बिल्कुल रनिंग, जारी। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये देखें आप समझे कि गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जारी है। अच्छा अब एक ऐसा जुमला देखते हैं हम जो आप बचपन से ही बोलते लिखते और सुनते चले आ रहे हैं, वो है आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। तो जरा शकीला इसका तर्जमा करें, आई मतलब कि कैनॉट, मैं बुखार में मुब्तला हूँ। अच्छा अब देखें आपने कितनी जल्दी तर्जमा कर लिया, आप यहाँ रहा है रही जी है लगाएं तो जरा, सर, मुझे बुखार हो बुखार हो रहा नहीं, वो तो फिर इसका मतलब है अभी रहा हो रहा है, हुआ नहीं है, देखे गड़बड़ हो गई ना रहा है ऐसे। बिल्कुल। अच्छा तो आपने कभी अपने किसी टीचर से, पूरे पाकिस्तान में कभी किसी टीचर ने नहीं पूछा कि मैम ये सर इसके पीछे तो रहा है रही है नहीं आता, आप कहते मैं बुखार में मुब्तला हूं, मुझे जी बुखार चढ़ा हुआ है, और आप हमें पढ़ाते हैं रहा है रही है, तो फिर यहां तो नहीं आ रहा। अच्छा अब ये कैसे जारी है, मैं बुखार में मुब्तला हूं मुझे बुखार चढ़ा हुआ, ये कैसे जारी है, मतलब अभी तक वो है, बुखार जी हमें अभी इफेक्ट बुखार नहीं हुआ। है, आपको बुखार है तो आपने एप्लीकेशन लिखी है, बुखार जो चढ़े हुए होने का अमल है वो जारी है। देखें मैंने आपके जुमले जो आप लिखते हैं उसी को ही अब उठाया, चूंकि पीछे मुझे लगा कि आप बड़ी परेशान सी बैठी हैं कि ये सर ने आज क्या बातें करना शुरू कर दी, भी मैं तो रोज ही ऐसे बातें करूंगा, मैं तो अंग्रेजी फिर अंग्रेजी की तरह से पढ़ाता हूँ जैसे वो होनी नहीं चाहिए। सर, आज मैं परेशान नहीं हूँ, आज मुझे ज्यादा चीजें समझ आ रही हैं। शाबाश शाबाश, समझ के आई, अभी हमने उसको समझा भी है।
सर समझ यही आई है कि जैसे हम पहले स्टार्ट से यही पढ़ते आए हैं कि जो कंटिन्यूअस होता है वो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह वगैरह। जुमलों के में पढ़ना ही नहीं है ना गा गएगी में, जिस तरह फ्यूचर को हमने पढ़ा, हमने देखना होता है उन सिचुएशंस को। अच्छा जी चलें, इस पूरी गुफ्तगू का जिस्ट यानी कि निचोड़ ये है कि इस बात को कतन छोड़ दीजिए कि उर्दू फिक्रे के आखिर में या शुरू में रहा है, रही है, रहे आता है या कुछ और आता है। हमें हमेशा से राइज इन तमाम फजूल और जाली किस्म की अलामत को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ ये देखना होगा कि हम इस वक्त यानी प्रेजेंट में जो बात कर रहे हैं इसमें कॉन्टिन्यूटी मौजूद है या नहीं। अगर कही गई बात में कॉन्टिन्यूटी मौजूद है तो फिर किसी भी अलामत या पहचान की परवाह किए बगैर उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कीजिए। जी शकीला कुछ कहना चाहती हैं आप, अपनी कोई ओपिनियन या कोई बात भी करना चाहें? ओवरऑल जो लेक्चर आज कर रहा है बड़ा अच्छा था, मैं खुद इंटरेक्शन में रही हूँ तो ज्यादा मुझे अच्छी तरह समझ आई है। हाँ इंटरेक्शन में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता था कि माइक खोल दिया करें, बेशक अगर शोर हो रहा तो फिर बंद कर दिया करें। तो चलिए ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, इन 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 वीडियोस को दोबारा दोबारा देखा करें, बार बार देखा करें, जितनी बार देखेंगे आपके ये जो आइडियाज हैं ये आपके जहन में मेच्योर होते जाएंगे, आपको मेरी बात समझने में आसानी होगी कि सर हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है और मैं आप सबको दी लर्नर्स अकेडमी ऑनलाइन की तरफ से अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तो खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।